नमस्कार, मैं हुशवाणी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट खत्म हो गया है। फॉरेंसिक साइंस लैब के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसने श्रद्धा के मोबाइल और कपड़े कहाँ फेंके हैं इसकी भी जानकारी दी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में क्लीन चिट मिली थी। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में थरूर को बरी कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर की है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने थरूर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 7 फरवरी 2023 को तय की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी से अलग रह रही उनकी पत्नी हसीन जहां के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट करने के मामले में टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि हसीन जहां के खिलाफ निजी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने यूट्यूब अधिकारियों को उनके खिलाफ दी गई सारी कमेंट्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और एमएलसी के कविता का नाम भी शामिल हो गया है। ईडी ने जांच को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए हैं। इसमें कविता का नाम भी है। उन पर आप नेताओं को 100 करोड़ भुगतान कराने का आरोप है। कर्नाटक के बेलगावी में एक स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट से जमकर पिटाई कर दी है। दरअसल इंटर कॉलेज में एक प्रोग्राम चल रहा था, इसी दौरान उस स्टूडेंट ने कर्नाटक का झंडा लहरा दिया। इसके चलते सेकेंड ईयर के उस स्टूडेंट को उसके क्लासमेट्स ने मिलकर पीट दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना गोगटी कॉलेज की है, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद के चलते हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। पार्टी इसे 2024 के लिए रोड मैप तैयार करने की कोशिश बता रही है। उधर बीजेपी इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अब राहुल गांधी ने मान लिया है कि वो भारत को समझते नहीं है। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति इतनी विराट है कि एक जन भी कम पड़ जाएगा। दवा और वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए देश में बड़ी पहल की जा रही है। जानवरों की जगह अब लैब में मानव टिश्यू से विकसित अंगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में भारत सरकार की ओर से इसके लिए जरूरी नियम कानून और शर्तें की विस्तृत रिपोर्ट जारी होगी। इसके लिए न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 में बदलाव किया जाएगा। इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार से फिर से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इन 2 दिनों में वे 7 रैलियां और अहमदाबाद में मेगा रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले उनका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया था। पीएम ने अपना चुनावी कैंपेन 20 नवंबर को सोमनाथ मंदिर में दर्शन से शुरू किया था। सीमा पर सुरक्षा को लेकर बीएसएफ आजकल लगातार स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। यह तकनीक मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले खतरनाक ड्रोन को मार गिराने में भी स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसकी जानकारी बीएसएफ डीजी पंकज सिंह की तरफ से दी गई है। उन्होंने सीमा पार से आ रहे ड्रोन को एक बड़ी चुनौती बताया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर शीलखेड़ा में एशिया का सबसे बड़ा एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसकी मदद से 300 किलोमीटर दूर मौसमी सिस्टम किस रास्ते आएगा, बादल कहां से कैसे आएंगे, कहां ओले गिरेंगे और कहां कितना पानी बरसेगा, यह सब पहले ही मालूम हो जाएगा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो प्रखंड के सिलई बेड़ा एवं सरजम गुरु के घने जंगलों में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। इनपुट के आधार पर पुलिस सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई, इसमें 2 जवान घायल हो गए हैं। डीआईजी अजय लिंडा ने इसकी पुष्टि की है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 281 पदों के लिए 18 नवंबर 2024 को 68वीं बीपीएससी परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को निर्धारित है। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 20 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व मंत्री और बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह का गुरुवार को निधन हो गया है। उन्होंने सिटी सेंटर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली है। इनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को पैतृक गांव चंदन कियारी में किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इनके निधन पर शोक जताया है। सोशल मीडिया पर निर्माताओं ने प्रमोशन के पहले दिन सुपर एक्साइटेड पुष्पा टीम की तस्वीरें साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि मॉस्को में प्रमोशन के पहले दिन खुश चेहरे, पुष्पा का रूसी भाषा का विशेष प्रीमियर शो आज मॉस्को में, टिकट बुक करें। गाजियाबाद में एक रिहायशी सोसाइटी की लिफ्ट में 3 लड़कियां फंस गई, जिसका वीडियो वायरल होने से अधिकारियों के भरण पोषण पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो सीसीटीवी फुटेज से लिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि लड़कियां लिफ्ट के अंदर फंसी हुई थी और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वे लगभग 20 मिनट तक लिफ्ट के अंदर रही। अपार्टमेंट मालिकों के संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
भारत का गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच G20 समूह की अध्यक्षता का पहला दिन रहा। इस अवसर पर G20 लोगो वाले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सहित 100 स्मारकों को 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक 7 दिनों के लिए रोशन किया जाएगा, जिसमें श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर से लेकर दिल्ली के लाल किले से लेकर तंजावुर के महान जुवेद चोल मंदिर तक शामिल है। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह ने आधिकारिक सरकारी बैठकों और कार्यों में मांसाहारी भोजन परोसने पर रोक विधेयक को सूचीबद्ध किया है। सिंह के अनुसार जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय ने सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। गुजरात चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के लिए प्रचार के दौरान कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम पर दिए गए रावण वाले बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीच इस बात को लेकर होड़ मची है कि कौन उनके खिलाफ सबसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने गुरुवार को डीजी यात्रा का अनावरण किया है। डीजी यात्रा के साथ हवाई अड्डों में चेक इन पेपरलेस होगा। चेहरे की पहचान तकनीक के आधार पर यात्री इन हवाई अड्डों से यात्रा कर सकेंगे। डीजी यात्रा की शुरुआत गुरुवार को दिल्ली के अलावा बेंगलोर और वाराणसी एयरपोर्ट पर की जा रही है। 6 दिसंबर को शाही मस्जिद ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ और लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने की अखिल भारतीय हिंदू महासभा की घोषणा के बाद प्रशासन भी सख्त हो गया है। 3 दिन पहले महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री समेत अन्य लोगों को शांति भंग में पाबंद करते हुए नोटिस जारी किया गया था। अब सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय से इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। लोगों के बीच इन दिनों बॉडी बनाने का एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। जल्द से बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स का सहारा लेते हैं, लेकिन उनका यह तरीका उन्हीं पर भारी पड़ सकता है। दरअसल लगातार स्टेरॉइड्स का सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इससे न सिर्फ आपको एलर्जी हो सकती है, बल्कि इसकी वजह से कई गंभीर समस्याएं भी झेलनी पड़ सकती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कुंडी के तुर्की में अपने संबोधन के दौरान लालू कार्ड खेला, जिस पर जनता भी पिघल गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह अपने पापा के पास जा रहे हैं, उनका ऑपरेशन होगा और जब वह होश में आएंगे तो पूछेंगे कुंडी में क्या हुआ, अब आप लोग बताएं कि वह क्या सुनाएंगे। भीड़ से आवाज आई, सब ठीक रहेगा। 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हुए रोमांचक मुकाबले में जब भारत को जीत के लिए 8 गेंदों पर 28 रन की दरकार थी, उस वक्त विराट कोहली ने हारिस रऊफ की गेंद पर 2 छक्के लगाए थे। उन 2 छक्कों की गूंज न केवल उस मैच में बल्कि ताउम्र हारिस रऊफ के मन से नहीं जाएगी। इस बात पर हारिस रऊफ ने अपनी चुप्पी तोड़ी। हारिस रऊफ का मानना है कि अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रोमांचक जीत में उन 2 छक्कों को विराट कोहली के अलावा वर्ल्ड क्रिकेट का कोई भी खिलाड़ी उन्हें नहीं मार सकता था। डेली सोप की दुनिया के बेताज बादशाह एकता कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक बड़ा ही सीरियस नोट लिखा है, जिसमें लिखा है, तुम करो तो लस्ट स्टोरीज और हम करें तो गंदी बात, #hypocrisy। हालांकि एकता ने इसके साथ कोई नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन लोगों का मानना है कि उन्होंने फिल्म मेकर और होस्ट करण जौहर पर इसके जरिए निशाना साधा है, जिन्होंने लस्ट स्टोरीज में एक स्टोरी का प्रोडक्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह तीसरी दफा ऐसा मौका आया जब केवल महिला जजों की पीठ कुछ मामलों की आज सुनवाई की। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने गुरुवार को वैवाहिक विवादों और जमानत मामलों से जुड़ी स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की एक महिला पीठ का गठन किया। तेलंगाना की 2 ट्रांसजेंडरों ने अपने निजी जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए चिकित्सा पूरी की और राज्य में सरकारी सेवा में शामिल होने वाले पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया है। दोनों ने ट्रांसजेंडर डॉक्टर का नाम प्राची राठौर और रुथ जॉन पॉल है। उन्होंने हाल ही में सरकारी उस्मानिया जनरल अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। उत्तर भारत में दिसंबर की शुरुआत से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। ज्यादातर राज्यों में पारा लुढ़कने का अनुमान जताया जा रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में ठंड के बढ़ने के आसार हैं। गूगल ने आज डूडल के जरिए अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर गेराल्ट जेरी लॉसन को याद किया है। गूगल ने गेराल्ट जेरी लॉसन के 82वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें याद किया है। गेराल्ट जेरी लॉसन को आधुनिक गेमिंग के पितामहों में से एक थे। उन्होंने दुनिया में सबसे पहले वीडियो गेम कंसोल बनाया था। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने गुरुवार यानी 1 दिसंबर को राज्य में जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने राज्य में जन आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने सरकार से कहा कि गोल्डी बराड पर सरकार 2 करोड़ का इनाम रखे, मैं अपनी जेब से सरकार को 2 करोड़ रुपए दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे अपनी जमीन क्यों ना बेचनी पड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के नौजवानों को मारने वाला गोल्डी को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए, वो खुलेआम घूम रहा है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नूनू कुमार गोलू, मोहम्मद शाकिर हुसैन, पीयूष पटेल, बाबूलाल मरांडी, जावेद आलम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार सरकारी आयोजनों में मांसाहारी भोजन पर रोक लगा देने का विधेयक पेश करने का जो प्रस्ताव है वो क्या उचित है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही।